फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये गुलाब जामुन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये मैंने जो है इससे मेरी कुछ मेमोरीज और इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्वीट डिश जो है मेरे ब्रदर की फेवरेट डिश है। वो ये मैंने उसके लिए बनाई है क्योंकि वो आज ही के दिन जो है इस वर्ल्ड में आया है आज उसको, लेकिन हम जो है बर्थडे नहीं मनाते हैं, लेकिन आज उसका जो है स्पोर्ट डे है। वो 10th में है और इसके बावजूद, उस पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होने के बावजूद भी उसने जो है स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मुझे ये पूरी गारंटी है कि वो मेडल तो जीतेगा ही, तो उसके लिए मैंने ये सरप्राइज प्लान किया है। तो मैंने ये जो है रेडीमेड मिक्स से गुलाब जामुन बनाए हैं। मेरा जो भाई है वो बहुत ही क्यूट है और उसे ये डिश भी बहुत पसंद है। उसका नाम मोहम्मद मुफस्सिर है। तो चलिए डिश, ये जो मैंने रेसिपी जो बनाई है गुलाब जामुन की, उसे कैसे बनाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रीमिक्स लिया है, इस पे आपको सब डिटेल में बताया हुआ है कि ये कैसे किस तरह से यूज़ करना है, और मतलब इस पे सब दिया हुआ है, ये कितने में आता है, एक्सपायरी डेट और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है, सब इसमें लिखा हुआ होता है। तो चलिए पैकेट को जो है अनपैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसे जो है पानी की हेल्प से भी गुन सकते हैं, मतलब इसे इसका डो बना सकते हैं, लेकिन दूध से जो है इसका डो जो है सॉफ्ट बनेगा, इसलिए मैंने हल्का गुनगुना सा दूध ले लिया है। और अब मैं इसका जो है सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। मिल्क हमें जो है गुनगुना लेना है। और डो में भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये आसानी से सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें हमारे अकॉर्डिंग जो है इसका साइज़ चूज़ करना है, और वो साइज़ के हिसाब से इसके गोल गोल राउंड शेप के, या आपको लंबे साइज़ के चाहिए तो वो साइज़ के गुलाब जामुन इसके जो है बाउल बना लेने हैं। मेरे ब्रदर को गोल साइज़ ही पसंद है, इसलिए मैं गोल साइज़ ही बना रही हूँ। और अब हमें कढ़ाई में तेल गरम होने देना है, और ये दो बैच में जो है फ्राई हो जाएंगे। इसे हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है ताकि जो है ये जले भी नहीं और ये अंदर से भी अच्छी तरह से हो सके। तो मैंने कुछ जो है ब्राउन कलर के फ्राई किए हैं और कुछ हल्के गोल्डन ब्राउन होने दिए हैं ताकि ये मिक्स होकर जो है रेडीमेड गुलाब जामुन के जैसा इसमें कलर आता है। तो मेरे ब्रदर को जो पसंद आएंगे वो खा लेंगे, मतलब उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। और एक पैन में मैंने जो है 2 ग्लास जो है पानी लिया है, और वो सेम ग्लास से जो है मैंने सूखे ग्लास से 2.5 ग्लास जो है चीनी ली है। चीनी को हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है, और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। ये चाशनी की भी कैसे बनानी है ये भी जो पैकेज पर दिया हुआ है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसकी चाशनी बनानी है। इस तरह से ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें सबसे जो है ख़ास चीज़ जो है गुलाब जामुन में आती है कि मतलब किसी के टूट जाते हैं, किसी के फट जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें दूसरा जो
बर्तन हमें जिसमें रखने हैं गुलाब जामुन वो ले लेंगे। मैं ये डिब्बे में रखने वाली हूँ क्योंकि प्लास्टिक में मतलब नहीं रख सकते, वो हार्मफुल रहता है, मतलब गर्म चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तो मैं स्टील का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसमें आप थोड़ा सा जो ये चाशनी तैयार हुई है वो इस बाउल में डालूंगी। नीचे से मैंने लेयर बना दी है चाशनी की, और अब इस पर मैं जो है ब्राउन कलर के जो गुलाब जामुन है वो डालूंगी, ताकि जो है ये सब मिक्स हो सके, अच्छे से कलर इनका आ सके। आप इस टिप से जो है बनाकर देखिए और मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसे बने हैं। डेफिनेटली आपके घर वालों को ये पसंद आएंगे। और फिर इसके ऊपर मैंने गुलाब जामुन के जो बॉल है वो डाल दिए हैं, और अब इसके ऊपर मैं फिर से चाशनी डालूंगी, तो ये बॉल जो है अच्छे से डीप हो जाएंगे इसमें। और फिर ऊपर से मैं और गुलाब जामुन डालूंगी, लेयर जैसे बिरयानी की लेयर करते हैं हम, वैसे इसकी लेयर करनी है। पूरा ये डालने के बाद मैं जितनी भी चाशनी बची है ये सब इसके ऊपर डाल दूंगी। चाशनी भी थोड़ी सी गरम रहनी चाहिए, एकदम गरम डाल देंगे ना तो फिर वो एकदम नरम हो जाएंगे गुलाब जामुन, जो गलने लगेंगे, मतलब मार्केट स्टाइल नहीं रहेंगे फिर वो, उनका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और अब हमें इन्हें साइड में रख देना है कुछ घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे इस तरह से हो सके। और अब मैं ये गुलाब जामुन सबसे पहले जो है मेरा ब्रदर ही खाएंगा, क्योंकि ये स्पेशल रेसिपी मैंने उसके लिए बनाई है। तो ये देखिए क्यूट सा मेरा फेवरेट कंटेनर है पिंक कलर का, उसमें डालकर मैं उसके लिए भिजवा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उसके लिए इस कंटेनर में भिजवाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको हम सिस्टर ब्रदर का बॉन्ड देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ये देखिए इस तरह से ही गुलाब जामुन की रेसिपी तैयार हो चुकी है।